प्यारे प्राणर सातन ग्रंथ है प्रकरण आठवां हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार श्री इंद्रावती जी के धाम हृदय में अक्षरतीत पूर्ण रूप से विराजमान है सभी आत्माओं को संबोधन करने के लिए महामती जी ने बेड़ा उठाया और सुंदर साथ को कहने से अच्छा वो समझती है कि मैं अपनी आत्मा को संबोधन क्यों न करूं ताकि साथ समझ जाए कि परमधाम की आत्मा का कर्तव्य क्या है किसी को प्रेम पूर्वक कर्तव्य बोध कराने के लिए स्वयं को संबोधन करने से अच्छा दूसरा कोई विकल्प दिखता नहीं है इसीलिए यदि कोई दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है और उसमें कोई खतरे की बात है और चाहे वो सम्मानित व्यक्तित्व तो हो चाहे कोई अज्ञानी हो चाहे किसी भी कारण से वो विपरीत दिशा में जा रहा है तो उसको ये कह देना कि भाई आप गलत दिशा में जा रहे हो इससे अच्छा ये है कि इस खतरे के कारण मैं इस दिशा में नहीं जाता हूँ इस प्रकार से उस प्रसंग को प्रदर्शित करना या जाहिर करना अत्यधिक प्रिय लगता है इसीलिए महामती जी अपनी आत्मा को संबोधन करके कहती हैं कि हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार लेकिन यह चौपाई उत्तर कहां से रही है महामती जी कहती हैं हृदय बैठे कहलाए साक्षात तारतम वाणी के एक एक चौपाई एक एक चरण एक एक शब्द साक्षात धाम धनी का स्वरूप मेरे धाम हृदय में विराजमान हो करके मेरी आवाज में वो स्वयं कह रहे हैं जब धाम धनी स्वयं कह रहे हैं तो इंद्रावती जी के अंदर कौन विराजमान है धाम धनी जब धाम धनी उनके हृदय में स्वयं विराजमान है तो उनको स्वयं अपनी आत्मा को यह संबोधन करने की जरूरत क्यों पड़ी कि हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार जब उनकी सुरता इस काल के ब्रह्मांड से परे गई योग माया से परे पहुंची परम धाम का साक्षात्कार किया युगल स्वरूप उनके धाम हृदय में विराजमान हुए प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने युगल स्वरूप को देखा अपने परातम को देखा अपने मूल संबंध को देखा मूल मिलावों को देखा परम धाम को देखा प्रेम और विरह की अग्नि में अपने अंतरात्मा को अपने हृदय को इतना शुद्ध पवित्र किया कि धाम धनी को भी महामती जी के टूटे हृदय को जहाँ प्रेम और समर्पण से भरा हुआ है वहाँ आकर के बैठने के लिए जब धाम धनी स्वयं मजबूर हो गए हों और रास से लेकर के वाणी अवतरित शुरू हो गई हालांकि ये किरंतन ग्रंथ ऐसा नहीं कि क्रमबद्ध रूप से सनंद के बाद में ही किरंतन की वाणी उतरी ये जब रास की वाणी नहीं उतरी थी उससे पूर्व भी किरणतन के कुछ प्रकरण उतरते रहे हैं लेकिन महावती के हृदय से ब्रह्मणी अवतृत तो हो रही है और स्वयं धाम धनी विराजमान है उनकी सुरता परम धाम में पहुंची है अपने युगल स्वरूप को जानती है हफ्से के जेल में ही उन्होंने तड़प तड़प करके ये कहा कि धाम धनी या तो आप मेरे इस टूटे हृदय पर आकर के विराजमान हो जाइए यदि इंद्रावती की आत्मा सांसें ले रही है तो उसका एक ही उद्देश्य है कि तुमसे मिलने की जो दृढ़ संकल्प है इच्छा शक्ति है जिसके कारण इंद्रावती जी रही है वरना अब इस दुनिया में रहना संभव नहीं है उस अवस्था में पहुंचने के पश्चात जब महामती के हृदय में इंद्रावती के हृदय में युगल स्वरूप विराजमान हो जाते हैं तभी तो ये ब्रह्मवाणी अवतरित होती है इसी सिलसिले में ये भी प्रकरण अवतरित हो रहा है हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार अक्षरतीत का जितना बड़ा कद है उनकी वाणी उतनी ही भारी है उसमें उतना ही प्रेम भरा हुआ है और उसमें उतना ही अपनापन भरा हुआ है एक एक शब्द और एक एक चौपाइया हमें बहुत कुछ संदेश दे रही है लेकिन हम केवल इनको चौपाइयों के रूप में शब्दों के संयोजन के रूप में पढ़ते हैं तो केवल शब्द ही समझ में आते हैं जिनके मुख से आपने अभी चर्चा श्रवण किया उन्होंने प्रवचन के बीच में कहते हुए एक दिन कहा था मुझे याद है किसी एक कवि ने लिखा सामान्य लोग किसी पंक्तियों को पढ़ते हैं तो पंक्तियों में उन शब्दों को पढ़ते हैं परंतु ज्ञानी लोग जो पढ़ते हैं तो उन शब्दों के बीच में उन पंक्तियों के बीच में उसके भाव को पढ़ते हैं इसी प्रकार से जिस भाव में जिस प्रसंग में इस ब्रह्माणी की चौपाइयों को कहा गया है उसको गहनता के साथ चिंतन किया जाए तो इन चौपाइयों के बीच में जो गहन रहस्य छिपा हुआ है जो अक्षरतीत का हृदय का संदेश जो अपनी ब्रह्मात्माओं के लिए है उनकी जागृति के लिए है वो शब्द इन पंक्तियों के बीच में नजर आते हैं वासना शब्द है इस वासना शब्द को शरीर और इंद्रियों के साथ जोड़ दिया जाए तो विषय वासना बन जाता है इसी शब्द को यदि आत्मा के साथ और आत्मा के विषयों के साथ तो जोड़ दिया जाए तो क्या होगा यही शब्द विषय वासना था और यही शब्द ब्रह्म वासना हो जाएगा वासना का तात्पर्य अत्यधिक इच्छा यानी तीव्र इच्छा हम जिस वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा अपने हृदय में रखते हैं यदि वो लौकिक है शरीर और इंद्रियों से विषय रखता है तो विषय यही शब्द आत्मा से है यही शब्द हमारी आत्मा के प्रीतम से है हमारी आत्मा उस प्रीतम को प्राप्त करना चाहती है तो जो शब्द हमें विषय वासनाओं का बोध करा रहा है और यही शब्द का अर्थ इससे विपरीत उस विषय वासनाओं से मुक्त हो करके हम ब्रह्म वासना के रूप में उस ब्रह्म के आनंद को ब्रह्म की सत्ता को ब्रह्म की सौंदर्यता को और ब्रह्म के प्रेम में लीन होने की जो इच्छा है वो चौपाई बता रही है हो मेरी वासना हे मेरी आत्मा तेरे अंदर जो ब्रह्म के स्वरूप को जानने की इच्छा है तुझे अपने प्रियतम को देखने की इच्छा है उस प्रेम को और उस सौंदर्य को प्राप्त करने की इच्छा है वो तेरे अंदर एक वासना का रूप धारण कर चुका है चलो अगम के पार तुम्हारी जो तीव्र इच्छा है न तो इस शरीर से संबंधित है न इंद्रियों से संबंधित है न अंतस्करण से संबंधित है न इस प्रकृति से संबंधित है आगे चल करके कहेंगे प्रसंग आगे आएगा लेकिन उस चौपाई को मैं बता दे रहा हूं तू कहा देखे इन खेल में ये खेल है माया का स्वरूप है इस माया के स्वरूप के अंदर आत्मा का विषय नहीं है हो सकता है शरीर मन इंद्रियों का विषय हो सकता है लेकिन आत्मा का विषय यह नहीं है इसलिए तुम अपना परमानंद प्राप्त करना चाहती हो तो इस संसार के अंदर तुम क्या देख रही हो चेतन प्राणी का स्वभाव है सौंदर्यता को देखना प्रेम और आनंद की अनुभूति करना इसको प्राप्त करने के लिए चाहे कोई भौतिक व्यक्ति हो चाहे आध्यात्मिक व्यक्ति हो चाहे कोई राजा हो चाहे कोई राजनेता हो कोई भी हो हर चेतन प्राणी का स्वभाव है वो प्रेम शांति आनंद इसकी प्राप्ति करना चाहता है एक राजा है पूरे अपने देश की संपत्ति उसके नाम की है देश की प्रजा उसकी है देश की संपत्ति उसकी है और उस देश के अंदर जो कुछ भी है उसका भोग करने का अधिकार उसको है चाहे प्रेम से करे चाहे कैसे भी करे किसी रूप में करे क्योंकि वो राजा है चक्रवर्ती सम्राटों का आपने नाम सुना है राजा जनक का नाम सुना है छोटे मोटे राजा होते हैं कोई बात नहीं बहुत बड़े बड़े सम्राट होते हैं लेकिन चक्रवर्ती सम्राट उनको कहा जाता है जो एक छत पृथ्वी पर शासन करता है राजा जनक कोई एक सामान्य राजा नहीं थे राजा होते हुए भी उनको विदेही कहा जाता है विदेही उनको कहा जाता है नवनाथ योगी जब उनके दरबार में आए और उनको देखा कि नवनाथ योगियों ने एक बार सोचा कि ये विदेही कहलाते हैं परंतु ये तो राज सिंहासन पर बैठे हैं और इतने अपने एक छत शासन कर रहे हैं उनके मन में भाव आया उस भाव को राजा जनक समझ जाते हैं अपनी योग शक्ति से पूरे महल में आग लगा देते हैं, जो नवनाथ योगी सोचते थे कि ये राजा जनक विदेही कहलाते हैं और स्वयं राजगद्दी पर विराजमान होकर के शासन करते हैं कैसे योगी हैं कैसे विदेही हैं थोड़ी देर पहले जो नवनाथ योगी ये सोच रहे थे कि हम तो संसार से विरक्त होकर के परमात्मा के प्रेम में रंगे हुए हैं जैसे ही राजा के महल में आग लगने लगती है वो सब उठते हैं और अपना लोटा वस्त्र इत्यादि समेटने लगते हैं राजा जनक जी के क्यों बैठे हुए सोचते हैं कि क्यों सब लोग यहां से भाग रहे हैं, लेकिन राजा जनक क्यों भाग नहीं रहे हैं उन नवनाथ योगियों को बात समझ में आई सचमुच में इनको क्यों विदेही कहा जाता है उनके अंदर भौतिक संपदाओं की भी कोई कमी नहीं है आध्यात्मिक संपदाओं की भी कमी नहीं है क्योंकि वो योग के उस स्थान पर पहुंचे हैं जिनको विदेही कहा जाता है परंतु वो भी सुख चाहते हैं उनके अंदर ज्ञान इतना भरपूर है समझते हैं कि इस प्रकृति की संपदाओं को एकत्रित करके मेरी आत्मा को सुख तो नहीं मिलता इसीलिए आत्मा की चीर शांति को प्राप्त करने के लिए जो नवनाथ योगी बड़े बड़े ऋषि हिमालयों की कंदराओं में जाकर के तप करते हैं समाधियां लगाते हैं ज्ञान के सागर में जो गोते लगाते हैं डुबकियां लगाया करते हैं उन सबको अपनी राजसभा में आमंत्रित करते हैं श्रद्धा के साथ उनको ऊंचे आसन पर बैठाते हैं और स्वयं भी उनके साथ बैठ करके प्रतिदिन ब्रह्म सभा की आयोजन करते हैं सबको ये संदेश देते हैं और अपनी अंतरात्मा को प्रसन्न करते हैं कि इस प्रकृति के अंदर कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिससे मेरी आत्मा को शांति मिल सके इसीलिए प्रतिदिन आत्म तत्व और ब्रह्म तत्व के विषय में उनके दरबार में चर्चाएं हुआ करती हैं और सभाएं लगा करती हैं उस सभाओं का आनंद लेते हैं योग करते हैं और ध्यान में बैठते हैं ये तो हुआ राजाओं की कहानी भोग विलासों में डूबे हुए लोगों को भी देखिए या तो हिमालय की सौंदर्यता को देखने के लिए जाते हैं जिन हिमालयों की कंदराओं में योगी लोग बैठ कर के ध्यान लगाते हैं समाधियां लगा करके ये इच्छा करते हैं कि इस वन में विचरण करने वाले हिरण मेरी पीठ पर आकर के अपनी सींग की खुजलाट को मिटाया करें टक्कर मारा करें तब भी मेरी समाधि न खुले एक तो वो योगी भी उसी कंदराओं में रहते हैं तो कोई संसार की सौंदर्यता को देख करके तृप्त होने की इच्छा रखने वाला व्यक्तित्व तो भी वहाँ जाता है और सवेरे सवेरे सूरज की स्वर्णिम अभाव को जिस हिमालय की पर्वत शिला पर देख करके प्रसन्न होना चाहता है वो भी जाता है लेकिन जिसके अंदर ज्ञान की दृष्टि खुली है वो सोचता है कि प्रकृति तो स्वयं नश्वर है इस नश्वर प्रकृति का सौंदर्य को देख करके मुझे क्या शांति मिल सकती है वो बाहर की आँखों को बंद करता है अंदर की आंखों को खोल करके परमात्मा से प्रार्थना करता है कि हे परमात्मा तू जो भी है जहां भी है मेरी आत्मा से कुछ न कुछ तो संबंध रखता ही होगा क्योंकि तेरा चेतन स्वरूप है तो प्रकृति जड़ है मेरा भी स्वरूप तो चेतन ही है जब मेरा चेतन स्वरूप है एक ही गुण से संपन्न है दोनों स्वरूप तो निश्चित रूप से मेरी आत्मा का तेरे साथ कोई ना कोई तो संबंध है मैं तुझे देख सकूं बाहर की आंखों को बंद करता है अंदर की आंखों को खोलता है उसके बाद लौकिक व्यक्ति है आपने देखा होगा कि जो शहरों में बड़े बड़े महलों में निवास करते हैं और लाखों लाखों रुपए प्रति सप्ताह प्रति महीना या प्रतिदिन कमाया करते हैं अर्जन करते हैं वो खुशियों को बटोरने के लिए कोई दुबई जाता है दुबई की बहुत ऊंची-ऊंची अटालिकाओं को देखता है कृत्रिम बरसात को देखता है प्रसन्न होता है और बहुत वैज्ञानिक लोग होंगे उनको पता है कि जिस प्रकार से हमारी पृथ्वी है इसी प्रकार से सौर मंडल में अनेकों ऐसे ग्रह उपग्रह हैं यहां यदि किसी के पास सौ सो ग्राम सोना हो तो बहुत प्रसन्नता के साथ हम जो हमारे अंग खुले रहते हैं जो सब लोग देख सकते हैं या तो हाथ की उंगलियों में नाक में कान में या गले में उसको पहनते हैं धारण करते हैं और हम बहुत प्रसन्न हुआ करते हैं क्योंकि ये स्वर्ण है बहुत अनमोल धातु है ये हीरे है क्योंकि बहुत कम ही इस पृथ्वी पर इन तत्वों को प्राप्त किया जाता है इसीलिए इसको कीमती माना जाता है लेकिन मैंने किताबों में पढ़ा है हमारी पृथ्वी जैसे जो अन्य ग्रह भी हैं वहां पर कहीं स्वर्ण के पहाड़ खड़े हैं कहीं मोतियों की बरसात हुआ करती है कहीं हीरों की बरसात हुआ करती है कहीं रात्रि के समय में आसमान से लोहे की बरसात होती है वैसे लोहे की तो कोई कीमत होती नहीं है लेकिन कहीं हीरे मोतियों की भी बरसात हुआ करती है ये सब जड़ पदार्थ हैं, इन सब को प्राप्त करने के बाद में भी जिसकी अंदर की आंखें खुल गई हैं उनको इन चीजों से शांति नहीं मिलती महामती जी की अंतरात्मा की दृष्टि खुली है वो जानते हैं कि ये प्रकृति के पदार्थ हमें कब तक सुखी कर सकते हैं हम दस किलो सोना गले में लटकाएं, किलो किलो भर जबरात इत्यादि हमारे पास हो पूरा हमारा शरीर को बोझिल महसूस कराता हो तब भी कब तक एक दिन सांसे पूरी हो जाएगी उससे हम दब जाएंगे वो हमारी आत्मा का विषय नहीं है हमारी आत्मा का विषय क्या है महामती जी बहुत ऊंची चीज देना चाहती है कति की मेरी वासना तुम चलो अगम के पार जिस अगम के पार योगियों ने साकार और निराकार स्वर्ग वैकुंठ की कल्पना की ब्रह्म की चिंतन करते करते उन्होंने तीन अवस्था को प्राप्त किया संसार में आनंद लेने वालों की तीन अवस्था कही गई है एक विषयानंदी जो विषयों का भोग करके सांसारिक लौकिक पदार्थों को प्राप्त करके ही परमात्मा को धन्यवाद करता है कि हे परमात्मा तूने मुझे जो कुछ दिया है उससे मेरी अंतरात्मा संतुष्ट है तुमने बहुत दिया तुम्हारी भरपूर मेहर है हमारे ऊपर ऐसी मेहर बनी रहे और एक होते हैं धर्म ग्रंथों को पढ़ करके हम भी तारतम वाणी की चौपाइयों को पढ़ते हैं मेहर सागर पढ़ते हैं और परमधाम के सागर श्रृंगार परिकर्म इत्यादि को पढ़ते हैं और बहुत प्रसन्न होते हैं बहुत अच्छी चीज़ है लेकिन जिन सागर श्रृंगार परिकर्म की चौपाइयों को पढ़ करके प्रसन्न होते हैं उन्हीं चौपाइयों को पढ़ करके जो हमारी बुद्धि में वो बात बैठ गई है ध्यान चितवनी प्रेम समर्पण के कारण हकी सूरत श्री प्रण्णा जी या सदगुरुदेव चंद्र जी के चरणों में जागृत होने वाली आत्माओं ने परम धाम के उस स्वरूप को देख करके इस कालमा के ब्रह्मांड में बनों में जा करके लकड़ियों को तरास तरास करके पूरे पच्चीस पक्षों का अपने हाथ से निर्माण कर दिया अक्षरतीत का स्वरूप यहाँ पर चित्रित कर दिया पूरे चर्चनी ग्रंथ लिख डाले नक्श इसके नक्शे बन गए और हकी श्री प्राणनाथ जी के चरणों में रह करके आपने बीतक में सुना अष्टपहर की सेवा में सुना है कि उन आत्माओं ने साक्षात परमधाम का दर्शन किया जाको दिल जिन भात तीन विध मन चाहे स्वरूप के कारज की सिद्ध जिसने ब्रज के स्वरूप को देखने की इच्छा की उसने ब्रज के स्वरूप को देख जिसने रास के स्वरूप को देखने की इच्छा की उसने रास के स्वरूप को देखा जिसने मूल मिलावे के स्वरूप को देखने की इच्छा की उसने मूल मिलावे के स्वरूप को देखा और जिसने सदगुरु को देखने की इच्छा की उन्होंने देखा और हक्की सूरत श्री प्राणनाथ जी को देखा हृदय दे की पवित्रता की बात है वाणी या वित्तक में तो ये प्रसंग नहीं शायद हमारे समाज में बहुत वित्तकारों ने बहुत सारे वित्तक की रचना की है और ऐसी घटनाओं को भी लिखा गया है कहा जाता है कि जो मुकुंददास जी है मलियाबाद वाले कि वन में गायों को चराने के लिए गए थे और उनके घर कोई एक सफेद वस्त्रधारी संत पहुंचते हैं पूछते हैं कि मुकुंदास कहां पर है कहते हैं कि तो गाय चराने के लिए गए हैं बोल देना कि पन्ना जी से प्राणनाथ जी तुम्हें बुलाने के लिए आए थे सांझ को अपने घर आते हैं घर वाले बोलते हैं कि मुकुंददास तुम्हें बुलाने के लिए प्राणनाथ जी आए थे पन्ना से न उस समय रेलगाड़ी न बस गाड़ी न कुछ पता रेडियो टीवी टेलीविजन टेलीफोन कुछ भी नहीं हुआ करते थे हृदय की तार जुड़ गई जो एक आत्मा का प्रेम था वो जग गया जैसे ब्रज में बांसुरी बजी ब्रज की सखियों ने कुछ भी नहीं देखा वैसे ही मुकुंदास जी को संदेश ब्रज की वहां की तरह उनके हृदय को झकझोर गई उन्होंने आओ देखा न ताओ देखा गाय कहाँ गई पैरों में जूते है चप्पल है या नहीं है पन्ना जी कहाँ है प्राणनाथ जी कौन है कुछ नहीं निकल पड़े सीधे अब कहाँ जाए कोई पता नहीं लेकिन रास्ते में मिलते हैं कोई संत के रूप में कहते कि तुम कहां जाना चाहते हो कहते पन्ना जी जा रहा हूं। किस लिए करें कि प्राणनाथ जी ने बुलाया है कहते कि थोड़ी देर आंख बंद करो आंख खोलने के लिए कहा तो कहा मिले बंगला जी के सामने ये क्या है ये आत्मा का सुख है ये आत्मा का आनंद है ये लौकिक चीजों के प्रकृति के दर्शन करने में यह चीज नहीं मिलती कहीं साम्राज्य का भोग करने में नहीं मिलती वस्त्र आभूषण और अनेक प्रकार की भौतिक सामग्रियों का भोग करने में यह सुख नहीं मिलता ये आनंद नहीं मिलता जिनकी यह दृष्टि खुल जाती है, संसार फीका लगने लगता है गौतम बुद्ध का नाम आपने सुना है अभी तो गौतम बुद्ध क्या सिद्धार्थ गौतम है पिता कहते हैं कि तुम्हें राजकुमार बनना है तुम तो मेरे राज्य के उत्तराधिकारी हो लेकिन उनकी अंदर की दृष्टि खुल गई है उन्होंने देखा मेरे पूर्वज इस रास महलों को छोड़ करके गए हैं मैं एक दिन बालक था आज किशोर अवस्था को प्राप्त हो रहा हूं मुझे इस गद्दी पर बैठने के लिए आग्रह किया जा रहा है मजबूर किया जा रहा है यदि मैं यहां बैठ गया तो कल मेरी आत्मा की शांति मेरे हाथ से छीन ली जाएगी कहते हैं कि नहीं मुझे नहीं बैठना वो घर द्वार को छोड़ के निकलते हैं देवचंद्र जी के हृदय में यही बात आई ग्यारह वर्ष की उम्र में यह सवाल आया मैं कौन कहाँ से आया कहाँ है मेरो भरतार उनके अंदर दृष्टि खुली मिराज जी की दृष्टि खुली कि यह संसार क्या है नस्वर है सब इस संसार को छोड़ते जा रहे हैं संसार में कोई भी ऐसा घर नहीं जिसके घर में किसी की मृत्यु न हुई हो सबके घर में मृत्यु होती है अपने परिजन चले जाते हैं और नए लोग आते हैं उसी परंपराओं को निभाते हैं और सब लोग इस प्रकृति के बंधन में बंधते जा रहे हैं और मृत्यु को प्राप्त होते जा रहे हैं अपने अनमोल समय को व्यतीत किए जा रहे हैं जिस मानव तन को प्राप्त करने के लिए स्वर्ग वैकुंठ में रहने वाले देवी देवता ये कहते हैं गायंती देवा की लगीत काणी धन्यस्तु ये भारत भूमि भागे इस भारत भूमि में म... धारण करने वाला मानव भाग्यशाली है जो स्वर्ग वैकुंठ की उपासना करते हैं संसार के लोग और वही स्वर्ग वैकुंठ में रहने वाले तीनों देवता और वहां जाने की इच्छा करने वाले कई आध्यात्मिक जन को ये पता है कि कलयुग के समय में स्वयं इस संसार के अंदर आने वाले हैं लेकिन हमारे सामने आने वाले नहीं आ करके कह रहे हैं हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार अगम पार अपार पार कहा है तेरा करार तेरी शांति का विषय यहां नहीं है तुम अच्छे वस्त्र पहन सकते हो अच्छे भोजन कर सकते हो लेकिन इसमें तुम्हारी आत्मा के लिए कोई शांति नहीं ये तुम्हारी बाध्यता है जिस शरीर को तुमने धारण किया है उसको नंगे नहीं रख सकते भोजन करना तुम्हारी बाध्यता है एक छत के नीचे रहना तुम्हारी बाध्यता है लेकिन तुम्हारे लिए अपरिहार्य तुम्हारी आत्मा का प्रियतम है और वो आत्मा की प्रियतम के सामने तुम गुहार लगाने के लिए नहीं जा रहे हो तुम मुझे अपने चरणों में स्थान दो वो स्वयं आकर के आपको तारतम बाणी की इतनी प्यारी और अपनेपन के आवाज में इस शब्द से कहता है मैं रह न सकूँ रू बिन रू रह न सके मुझ बिन मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता स्वर्ग वैकुंठ में निवास करने वाले तीनों देवता वहाँ बैठ करके पूरे चौदह लोक ब्रह्मांड को संपादन कर सकते हैं निर्माण कर सकते हैं इसका संहार कर सकते हैं तो मैं परमधाम के उस मूल मिलाव में नूरी सिंहासन पर बैठता हूँ तुम्हारे नूरी तनों को भी देखता हूँ तुम्हारे इस कालमय के ब्रह्मांड में जो माया की लीला को देख रहा है इस तन को भी देखता हूँ दो तन चरण तले आतम परातम मैं तुम्हारी आत्मा के इस नस्वर तन को भी देख रहा हूँ और तुम्हारी परातम को भी देख रहा हूँ लेकिन तुम इस कालमय के ब्रह्मांड में आकर के संसार के जीवों की भांति प्रकृति के कुछ नश्वर पदार्थों में तुम अपना सुख शांति और आनंद का विषय और अपनी मंजिल समझते और मुझे धन्यवाद करते हो कि तुमने मुझे इस संसार में बहुत सुखी किया है प्रसन्न किया है सब चीज़ों से मुझे लबालब कर दिया है तो शायद राज्य भी हमारे ऊपर हंसेंगे कि तुमने काल माय के ब्रह्मांड में कुछ लौकिक पदार्थों को क्या प्राप्त किया तुम्हारी अंतरात्मा इतनी संतुष्टि हो गई कि न तो कभी तुम मुझे बुलाने के लिए राज़ी हो और न मैं तुम्हें बुलाने के लिए आ रहा हूँ तुम्हारे घर घर आकर के ब्रह्माणी के इन चौपाइयों से तुम्हें आवाज़ दे रहा हूँ तुम मुझे देखने के लिए राज़ी नहीं हो ठीक है चार वर्ष तो जागने के ब्रह्मांड में बीत गए और ज़्यादा हो गए फिर भी जो कभी पीछे दोस्ती करो तो भी मेरे सच्चे यार यदि बाद में भी तुम मेरी तरफ लौट करके देखो मैं बार बार कहा करता हूं संसार में एक दौड़ चली है राज्य ब्रह्मात्माओं को दौड़ लगाने के लिए कहते हैं किरंतन का एक प्रकरण है मेरे मीठे बोले साथ जी उसमें एक चौपाई आती है दौड़ सको सो दौड़ी संसार एक तरफ दौड़ रहा है राज्य आपको दूसरी तरफ बुला रहे हैं लेकिन हम किस दौड़ में शामिल हैं मैं उसका एक नज़ारा आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ संसार दौड़ रहा है कहाँ जा रहा है कोई लक्ष्य है कहीं पहुँचना है जिसके लिए हमें बहुत जल्दीबाजी और दौड़ लगा रहे हैं सवेरे उठ करके देखो सवेरे बहुत जल्दी जल्दी उठ जाते हैं कहते हैं कि क्या करना है मुझे तो बहुत सारा काम है यानी दौड़ना है सवेरे देखो दौड़ रही है दुनिया दोपहर को देखिए दोपहर को दौड़ रहे हैं सांझ को देखिए दौड़ ही रही है शहरों में जा कर के देखिए आधे आधे रात तक गाड़ियों की ट्रैफिक रेड लाइट जलती रहती है वहाँ कभी ऐसा सुना था मैंने विदेशों में किसी देश में अंधेरा नहीं होता सूरज नहीं डूबता लेकिन भारतवर्ष में भी कुछ शहरों की ऐसी गलियाँ हैं जो पाँच मिनट के लिए शांत नहीं हो सकती चौबीस घंटे चलती रहती है रात्रि को थक करके एक दो बजे आकर के अपने घर में सो जाते हैं कहते हैं कि सवेरे जल्दी उठना है फिर दौड़ना है साइकिल वाला क… सोचता है कि मोटरसाइकिल से दौड़ूं मोटरसाइकिल वाला सोचता है कि कार से दौड़ लूँ जिसके पास कार है वो सोचता है कि मैं तो पचास लाख की कार से दौड़ूँ और जिसके पास वो भी उपलब्ध है वो सोचता है कि मैं फ्लाइट से दौड़ूँ ताकि जल्दी हो जाए सड़क टूट रही तो कोई बात नहीं सड़क छप रही है दोबारा दौड़ रहे हैं पिता थक गया पुत्र को शामिल कर लिया तू भी दौड़ भाई आ जा उसके साथ पुत्र बधू दौड़ रही है उसके बाद तीसरी पीढ़ी दौड़ रही है अब जो उसकी पहली पीढ़ी है खाट में बैठ करके जवानी में जितना दौड़ता था उससे अधिक उसकी मन की दौड़ चलती है लेकिन शरीर नहीं चलता सोचता है कि मेरे ये महलों का क्या होगा जिसके पास महल नहीं है वो सोचता है कि मेरे बाल बच्चे कहां निवास करेंगे जिनके पास संपत्ति नहीं है सोचता है कि परमात्मा मैं तो बूढ़ा हो गया मेरे घुटने टूट चुके हैं लेकिन मेरे आने वाली संतति के लिए कुछ लाख करोड़ दे जा यदि मेरी अर्जी में कोई दम है तो इतना कर दे उसके बाद उसका मन का दौड़ अधिक हो गया सब दौड़ दो, रहे हैं सोचिए है, पूछिए है कि कहाँ दौड़ रहे कोई बुला रहा है नहीं क्यों दौड़ रहे हो बगल वाला दौड़ रहा है इसलिए हम भी दौड़ रहे हैं कोई पीछे से भगा रहा है नहीं भगा रहा है नहीं ये तो प्रकृति का नियम है कहते हैं कि तुम गलत दौड़ रहे हो अक्षरतीत कहते हैं तुम संसार के लिए दौड़ कर रहे हो अब तुम यहाँ ठहर जाओ अब यहाँ से उल्टा दौड़ना है तुम्हें इसमें सीधा दौड़ के कोई न जीत इस संसार की दौड़ में दौड़ करके कोई सीधा नहीं निकला तुम्हें कहाँ दौड़ना है इस काल के ब्रह्मांड में खड़े हो जाओ इस शरीर मन अंतस्करण इंद्रियों को और पूरे काल माए के ब्रह्मांड के चौदह लोक को भूल जाओ और इस निराकार मंडल से परे बेहद मंडल है अगम पार अपार पार कहाँ है तेरा करार उस बेहद मंडल से परे अक्षर है जो सृष्टि करता है जो करता अक्षर भी जागृत अवस्था में अपने महल में बैठ करके अक्षरधाम में यह संकल्प करता है कि अक्षरातीत के महल में प्रेम इसक बरतत सुद अक्षर को नहीं किन विधि केली करत पर ब्रह्म अपनी ब्रह्मंगनाओं के साथ प्रेम और आनंद की लीला करते हैं काश मैं उस लीला का दर्शन करता और तुम वहाँ पर लीला करने वाली तुम्हारी परातम वहाँ पर विराजमान है इसीलिए इसको दर्शाने के लिए सागर ग्रंथ में कह दिया जो तुम्हारी परातम है मूल स्वरूप जो अपनो जाको कहिए परातम सो परातम संग ली के बिलिए संगसम तुम अपने आप को मैं परातम स्वरूप हूँ ये सोच करके उसका श्रृंगार करो और अपनी अंतर की दृष्टि से अपने प्रियतम को देखो तू कहाँ बैठी है तेरा मूल घर कहाँ है उस परमधाम का सुख क्या है जागनी क्या है उस समय समझ में आएगी परिकर्म ग्रंथ में एक चौपाई आई है यही अपनी जागनी जो याद आए निज सुख यदि कन्या माता पिता के साथ रहती है तो लड़की बन के रहती है पुत्री बन के रहती है जिस दिन पुत्री का विवाह कर देते हैं उसका श्रृंगार करके डोली में बैठा करके भेज देते हैं तो वो पुत्र बधु वो उस दिन एक बधू के रूप में चली जाती है और वो जिसके घर जाती है उसको अपना घर समझती है उसका अपना परिवार समझ करके अब वहाँ जा कर के बहू के रूप में वो उसकी कहनी करनी रहनी सब कुछ उसका बदल जाता है यदि हम संसार के हैं तो कोई बात नहीं ज्ञानता की अवस्था में हमने गलती की जब लग भूली वतन तब लग नहीं दोष जब जागी हक इल्मे तब भूली सिर अफसोस यदि हम भूल जाते हैं ये गलती कर जाते हैं तो ये हमारे लिए अफसोस का विषय है दोबारा ये समय हमें कभी मिलने वाला नहीं है इसीलिए कहते हैं कि ये तुम्हें बहुत अच्छा अवसर मिला है इस अवसर पर यदि तुम चूक गए तो महामती जी ने एक सब चौपाई से सबको सावधान कराया है जो मासूक सेज न आया देखा सुनिया न कही बात तुमने कभी अपनी आत्मा के दृष्टि से उसको देखने की इच्छा नहीं की कोशिश नहीं की कभी आत्मा के श्रवणों से उनकी प्रेम भरी मीठी जिसमें संबंध का मिठास भरा हो वो शब्द सुनने के लिए तुम्हारे कान कभी तरसे नहीं और देखिया सुनिया न कही बात अपने दिल की बात तुमने कभी उनसे कही नहीं सुख अंग न लियो इन सेज का अपने हृदय को प्रेम से सजा करके सेज बना करके उसमें अपने प्रियतम को बसाने की चेष्टा तुमने यदि नहीं की ये सुख अवसर तुमने नहीं लिया तो इन... तै निरफल गई जो रात तुम्हें ये ब्रह्मावाणी मिली तुमने सारा संसार को छोड़ा 33 कोटि को छोड़ा किस-किस को छोड़ा किस-किस को पकड़ा वो कोई मैटर नहीं करता सब कुछ छोड़ा लेकिन जिसको प्राप्त करना है तुमने वो नहीं पाया तो क्या पाया इसीलिए कहते हैं कि तेरे पास समय है अगम पार अपार पार तहां है तेरा करार तू कहां देखे तू देख निज दरबार अपनो सूरत यही संवार तुम अपनी सुरता को यहाँ केंद्रित करो तुम यदि इस संसार में तुम्हें किसी चीज़ से खुशियाँ मिलती हैं तो ये सु, चौपाई सुन करके तुम सावधान हो जाना समझ जाना तू कहाँ देखे इन खेल में तुम इस संसार में कौन सी चीज़ देख करके इतनी प्रसन्न मस्त और आनंदित हो रही हो जहाँ तुम्हारा विषयों का कोई नामो निशान ही नहीं है तू कहा देखे इन खेल में ये तो पड़े सब प्रतिबिंब ये तो प्रतिबिंब है जिसको प्राप्त करके तुम इतरा रहे हो या जिसको छूट जाने के बाद तुम क्रंदन कर रहे रो रहे हो बिलाप कर रहे हो ये क्या है प्रतिबिंब है प्रतिबिंब का तो कोई अस्तित्व नहीं होता इसीलिए इसको माया कहते हैं जिसका असल में कोई रूप रंग नहीं है प्रतीत होता है दिखाई पड़ता है और जो प्रतीत हो रहा दिखाई पड़ा है उसमें सारा संसार भूला है इसीलिए इसको कहते हैं प्र, प्रपंच प्रपंच पांचों तत्व मिल खेलत सुरत के संग सारी सुरताएं इस प्रपंच के साथ मिलकर के इनके साथ इतना लगन और प्यार बैठा लिया कि तुमने मुझे भुला दिया तुम मेरी इस तारतम वाणी की चौपाइयों को पढ़ करके ये समझ लेना भले मैं प्रत्यक्ष रूप से तुम्हारे सामने नहीं हूँ परोक्ष रूप से जिस प्रकार से सदगुरु जी के तीन सौ आत्माओं के साथ मैंने बात की बंगला जी में बैठ करके पांच हजार जमात को मैंने ग्यारह वर्षों तक संबोधन किया नौतनपुरी से परना जी पहुंचते रास्ते में जो भी मिले जो मैंने संबोधन किया वो तारतम बाणी में मैंने तुम्हें भी दिया साथ चरने है आय सही पिछले कारण ये बाणी कही तुम्हारे लिए मैंने ये बाणी दी इसलिए जो सुंदर साथ अपना कल्याण चाहते हैं जो अपनी आत्मा के विषय को प्राप्त करना चाहते हैं और धनी से मिलने चाहते हैं तो आप ये समझ लेना कि केवल हम इन शब्दों को पढ़ लेंगे और प्रवचन को सुन लेंगे या प्रवचन कर लेंगे इससे हमारी आत्मा जागृत हो जाएगी ये प्रक्रिया तो बहुत अच्छी है इस प्रक्रिया से गुजरे बिना हम मंजिल तक प्राप्त नहीं कर सकते लेकिन इसके अतिरिक्त यदि हमने प्रेम और समर् पण की भाषा नहीं सीखी और वो हमारे जीवन में हमने नहीं अपनाया तो कहीं ना कहीं हमारी आत्मा की मंजिल अधूरी नहर जाए इसलिए महामती जी सबको इस चौपाई से पहले ही सावधान कराते हुए कह रही हैं मेरी वासना तुम चलो अगम के पार मेरा समय पूरा होता है सभी मिलकर के चौपाई दोहराने में सहयोग करेंगे अगम पार अपार पार ताह है तेरा करार तू देख निज दरवार वार अपनो सूरत यही संभार सूरत यही संभार बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की